गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा अगला परस्तु गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति चलो बाबा बड़ा बड़ा मूर्ति आइए गणपति बाप्पा मैं सबसे पहले बोलूंगा गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा। तो हमारे घर में हमारे फैमिली मेंबर में हमारे रिश्तेदार में हमारे माता पिता जो सब लोग हैं तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान आप जो साल में एक बार हम लोग जो मनाते हैं भगवान को उनका सदा दिल से पूजा पाठ करते हैं ये मनोकामना है कि भगवान ये हमेशा बनाए रखें। और मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा भगवान को कि हे गणेश जी आप सब लोगों के घर में विराजमान रहिए आप विराजमान रहेंगे तो हमको सब कुछ आप देते रहेंगे। इससे हमारी जो है जितना लोग भी सुन रहे हैं इसमें ध्यान दें कि भगवान को सबसे बड़े देवों में देव श्री गणेश जी इनसे बड़ा कोई देव नहीं है। हर चीज में पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि हमारे जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ा परंपरा है गणपति बाप्पा मोरिया का बड़े सब लोग श्रद्धालु से बहुत तहे दिल से मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं। भगवान करें कि सबको खुशी दें। और मेरा बनाने वाला कारीगर एक ही है चॉइस करने वाला मेरा बेटे का दिमाग है उन्होंने जो भी चॉइस करता है उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं रहता है। और सब लोग यही बोलता है नहीं जो भगवान के लिए कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है करना चाहिए सबको करना चाहिए। गणपति बाप्पा से मैं यही विनती करता हूँ कि सबको निरोग रखें सब लोग निरोग रहें दो पैसा जो काम धंधा करता है उसमें बरकत दें और ईमानदारी से रहें किसी की बुरा न देखें बुरा न चाहें। इसके साथ तो मैं भगवान से प्रार्थना मांगता हूँ हे भगवान अगले वर्ष तू जल्दी आइए फिर आपकी सेवा करेंगे। तो काफी श्रद्धा भाव से सोनी परिवार इस उपलक्ष को मनाता है और मेरा यही देखना है कि काफी श्रद्धा और काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है काफी सब लोग इसमें सब लोग भाग लेते हैं बिल्डिंग में भी सब लोग दर्शन करने को आते हैं और मेरी सब सुनी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल भी डेढ़ दिन का गणपति आपके सुनी परिवार ने दिया है दिन तो काफी जल्दी चले गए दो दिन तैयारी तो 100 दिन पहले की थी ठीक है कुछ कुछ चीजें इस साल आगे पीछे हो रही थी ठीक है लेकिन पापा का ऐसा आशीर्वाद है हमारा हर कार्यक्रम जो भी हम सोचते हैं वो पूरा होता है। हाँ पूरी फैमिली का पूरा सपोर्ट है और पापा तो हमारे जो हर साल आते हैं वही है डेकोरेशन पापा से आता है कि सेम लुक अगर बात करें हाँ। तो नाना पाटेकर के घर में सेम है हाँ पीछे मिरर भी है हाँ जी फ्लावर का डेकोरेशन उनके घर पे भी हाँ जी नहीं उनसे हमने कॉपी किया है उनके घर हम गए थे तो ये डेकोरेशन वाली मूर्ति हमको बहुत प्यार लगी थी जब से हम सेम मूर्ति के गिरगांव में बनाते हैं फिर हम दहिसर से कलेक्ट करते हैं। कारीगर भी सेम है या फिर कारीगर भी सेम है गिरगांव के सेम कारीगर है फिर यहाँ पे दहिसर के कारखाने वर्कशॉप में भेजते हैं। खासियत क्या है मूर्ति के अंदर ये चार भुजा स्टाइल गणपति है ये भट्ट सौम्य समर्थ स्टाइल है इनका सादा सिंपल जो पंडित स्टाइल होता है भट्ट का वो स्टाइल है मूर्ति में कहीं भी स्टोन वर्क नहीं मिलेगा आपको सादा सिंपल मूर्ति मिट्टी की पूरी मूर्ति है। और उसमें खास बात क्या क्या अंदर आपके आपके तौर पर आपने क्या क्या प्रॉपर जो पंडित का जो हाथ होता है आशीर्वाद वाला हाथ है उनका माला जपने वाला सेकंड हाथ है उनका ज्वेलरी की बात करो ज्वेलरी किस तरीके से क्या ज्वेलरी ऊपर मत करो ज्वेलरी जो भी इनका मुकुट है हमने कर दिया है सिंगार इनका पूरा ही कर दिया है जो जो कमी थी पापा का आशीर्वाद है पूरा कर दिया है और आगे भी मौका मिलेगा तो करते रहेंगे लेकिन डेढ़ दिन काफी कम समय होता है आपकी बात से काफी नाराज हो जाते कि नहीं आपकी बात सही है लेकिन यथाशक्ति अनुसार हम काम करते हैं
दो दिन में जितना बप्पा खुश कर सके, उनका भोग से लेके उनका श्रृंगार से लेके बिल्कुल बिल्कुल, और पूरा दो दिन कोशिश करते हैं बप्पा से ज़्यादा ज़्यादा समय थे। बप्पा साक्षात हमारे घर आए हैं ऐसा लगता है, और ठीक है उनका आशीर्वाद साल भर रहता है। हम कभी पप्पा से नहीं मांगते, पप्पा से ही कहते हैं कि हमारा परिवार सब एक साथ में रहे। और कुछ मेरा नाम तान्या है। मैं आप सभी से कहना चाहूँ, मेरे पापा जो हैं वो एक ही बार आते हैं, मतलब दो ही दिन के लिए आते हैं, लेकिन जो उनका मतलब वो है बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ मतलब हमारे साथ बने रहे, यहाँ से कभी जाए ना। आपको याद कितना आएगा? मतलब पूरी याद आएगी हमारी, उनकी बहुत मिस करेंगे उनको।